फ्रेंड्स नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा बच्चों को पेट में दर्द होता है या डायरिया होती है या डिसेंट्री होता है, तो एक सिरप बताऊंगा और एक मेडिसिन बताऊंगा, उसको आप यूज़ करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि बच्चे जो होते हैं वो तो बोल सकते नहीं हैं, बता भी नहीं सकते हैं। जब वो प्रॉब्लम में होते हैं तो माँ बाप भी बहुत टेंशन में हो जाते हैं। उनको विशेष केयर करने के लिए उनकी एक्टिविटी आप देखिए। एक्टिविटी मीन्स वो इरिटेट हो रहे हैं या उनको अच्छा नहीं लग रहा है या फिर नाक में खुजली कर रहे हैं या वोमिटिंग कर रहे हैं, तो आप ये सिम्टम डॉक्टर को बताइए कि जो वो एक्टिविटी कर रहा है उसके हिसाब से, या पेट को बार बार दबा रहा है या फिर इधर उधर चिल्ला रहा है या किसी की गोदी में नहीं जा रहा है, वो आप जब डॉक्टर को बताएंगे तो वो उसके हिसाब पे सिम्टम कंसीडर करके फिर दवा प्रिस्क्राइब करेगा। जैसे बहुत समय से इस बच्चे को मान लीजिए डायरिया हो रही है या डिसेंट्री हो रही है या इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम से परेशान है। इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम ये होता है कि उसके पेट में दर्द होगा, ऐठन होगी और लूज़ मोशन भी हो सकता है, एनस में इचिंग भी हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें और इनडाइजेशन फूड होगा। तो इन सभी के लिए मैं जो दवा बताऊँगा वो बहुत ही कारगर है। इसके साथ ही साथ ये जो बच्चे हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनको आप देखिए एक्टिविटी क्या करते हैं। जो बड़े लोग हैं वो तो मान लीजिए बता देंगे हमें ये दिक्कत हो रही, तो उनके लिए तो आसान हो जाएगा, बट छोटे बच्चों को विशेष ध्यान देना होता है कि वो पेशाब कैसे कर रहे हैं, पेशाब कलर कौन सा है, तो इन सारी चीज़ों को, और जब वो खाना खा रहे हैं तो मन से खा रहे हैं मन से नहीं खा रहे हैं, तो ये सब कुछ आप अपने डॉक्टर को बताइए। साथ ही साथ में अगर बहुत दिन से उसको लैटिन के रास्ते ब्लड आ रहा है या फिर जो डायरिया आ रही है वो डायरिया किस टाइप के, एकदम पनीला आ रहा है या फिर उसमें चावल के माड़ जैसा आ रहा है, डिफरेंट टाइप की डायरिया होती है, वो सब आप डॉक्टर को बताइए, क्योंकि सब पर्टिकुलर सिम्टम होते हैं, हर पेशेंट का अलग अलग होता है। तो मैं जो दवा बताऊंगा वो ऐसा कॉमन दवा है, जो छोटा बच्चा है उसको आप आर्सेनिक 200 पोटेंसी ले लीजिए, उसको मीठी वाली गोली लीजिए ग्लोब्यूल में, तो वन ड्रम में 2 बूंद डाल दीजिए, उसके बाद उसको 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम को मुंह पे डाल दीजिए, वो चूस लेगा। साथ में इसके एक सिरप आता है डिस्कोल मेडिसिन कंपनी की है, डिस्कोल सिरप ले लीजिए। अगर अडल्ट बच्चा है तो 5 ml सुबह दोपहर शाम पिलाइए, अगर छोटा बच्चा है तो 2.5 ml सुबह दोपहर शाम पिलाइए। 2.5 ml का मतलब 2.5 ml, या फिर जो टीस्पून होता है एक फुल टीस्पून पिलाएंगे तो 5 ml होगा, और उसको हाफ़ कर देंगे तो 2.5 ml हो जाएगा। तो इसको आप दीजिए, बाकी आप किसी नियरेस्ट डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि वो बच्चा है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि अगर 1-2 बार वोमिटिंग करेगा उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए आपने नियरेस्ट डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लीजिए। बाकी जो मैं दवा बता रहा हूँ अगर आप एक दिन वेट करिए, अगर ये दवा लेते हैं अगर बच्चा इम्प्रूवमेंट हो जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, उसकी डायरिया या डिसेंट्री या लूज मोशन ये बंद हो जाए, तो समझिए कि दवा काम कर रही है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो फिर किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये काम नहीं कर सही से, मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप नियरेस्ट डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि बच्चों के मामले में आप लापरवाही बिल्कुल ना करें। और फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल को प्रेस कर दें, और सब्सक्राइब वो लोग करेंगे जो लोग नए हैं, नए ऑडियंस हैं या पेशेंट हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, बाकी जो पुराने ऑडियंस और पेशेंट हैं वो सब्सक्राइब किए रहेंगे। ओके, थैंक यू।